फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज बन रही है सब्जी मिक्स वेज की, और सुबह नए दिन की शुरुआत हो गई है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले ऑयल डाला, जख्या डाला, और उसके बाद मैंने एक छोटा साइज़ का प्याज डाला, और प्याज को मैंने अच्छे से चला लिया है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें हल्का सा नमक डाल दूंगी। मेरा हमेशा मतलब सब्ज़ी ऐसे ही बनती है, जब भी मैं टमाटर डालती हूँ तो उसके बाद मैं डाल देती हूँ क्या बोलते हैं, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक से टमाटर जो है कि अच्छे से गल जाता है और सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। तो मतलब सबकी अपनी अपनी आदत होती है, बस मेरा भी यही है, मेरी आदत कि मैं टमाटर डालते ही नमक डाल देती हूँ। फिर 1 मिनट के लिए इसको ढक के रख लूँगी, और 1 मिनट बाद क्या होता है कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो करछी से इस तरह से दबाती हूँ तो वो ना अच्छे से मैश होने लगता है। तो बस इसके बाद मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी, बेसिक मसाले जो होते हैं, जो डेली हमारे घर में यूज़ होते हैं। और उसके बाद इसमें डाल दूँगी सब्जी और ढक के रख दूँगी इसको, और सूखी सब्जी बनाऊँगी बिना पानी की। तो बहुत टेस्टी लगती है मिक्स वेज इस तरह से बनाओ तो। सारी सब्जियां थोड़ा थोड़ा बची थी तो मैंने सोचा आज मिक्स वेज बना देती हूँ। और मुझे ना क्या नाम बोलते हैं, सब्जी में गाजर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गाजर बचा था, नेगी जी को पसंद है तो मैंने वो भी डाल दिया था। तो बस मैं इसमें सब्जी डाल के ढक्कन लगा दूँगी और मेरी सब्जी हो जाएगी रेडी। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, नए दिन की शुरुआत हो गई है और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। नाश्ता करना बाकी रह गया है, नेगी जी जा रखे हैं रेसी के स्कूल, और फिर वहीं से ऑफिस चले जाएंगे क्योंकि आज स्पेशल पीटीएम। तो नेगी जी ने बोला कि मैं रेसी के स्कूल में जाता हूँ और उधर से ही ऑफिस चले जाऊँगा। तो टिफिन वगैरह सब कुछ लेके चले गए, नाश्ता वगैरह करके। और रेसी अभी अभी उठ रहा है, और मैं नहा के सारा काम कर चुकी हूँ, और धूप भी बहुत अच्छी आ रखी है। आधे कपड़े डालूंगी आज बाहर और आधे कल डालेंगे, क्योंकि कल है संडे। तो फिर पूरे गर्म कपड़े बंद कर देंगे, बस थोड़े बहुत रखेंगे कुछ पहनने के लिए, क्योंकि अभी होली तक मतलब कुछ दिन तक ठंडा रहेगा, उसके बाद प्रॉपर गर्मी आ जाएगी। तो अभी यहाँ सुबह शाम थोड़ा बहुत ठंडा है, तो थोड़ा बहुत ठंडे कपड़े बाहर रखूँगी, बाकी अंदर डाल दूँगी। ये अभी मेरा सबसे बड़ा काम है। और कल मैंने बनाए थे पापड़, और थोड़े से पापड़ सोच रही हूँ आज बनाऊँ, अगर टाइम लगेगा तो। लग रहा कि नहीं लगेगा टाइम, लेकिन टाइम लगेगा तो सूजी के पापड़ बनाऊँगी आज। तो चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, अब मैं किचन में आ गई हूँ पापड़ बनाने के लिए। मेरा सारा मॉर्निंग का काम हो गया है। तो ये मैंने नमक निकाल के रखा है, 1 कटोरी सूजी और चिली फ्लेक्स 1 पैकेट रखा है, और आधा चम्मच मैंने अजवाइन रखा। आज मैं अजवाइन वाले बनाऊंगी। तो पानी हल्का सा गर्म हो गया था, तो उसमें मैं डाल दूंगी चिली फ्लेक्स और डाल दूंगी नमक और अजवाइन। तो फ्रेंड्स, सूजी के पापड़ बनाना जिसको नहीं आता है उसको मैं बता रही हूँ, आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं। तो अजवाइन डाल के ये देखिए, इस तरह से पानी को अच्छे से खौला देना है, और फिर उसके बाद सूजी डालनी है उसमें, और सूजी डालते ही इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। अगर चलाओगे नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी, और आप देखोगे सूजी 1 मिनट भी नहीं लगता और थिक हो जाती है बहुत जल्दी। तो आप देखोगे इसे आधा मिनट में ही ये अच्छे से थिक हो जाएगा और पापड़ बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आपको सूजी डालने के बाद ना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, धीमी आंच में कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। धीमी यानी कि मीडियम साइज़ की आंच होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा कम होनी चाहिए।
तो ये देखिए इस तरह से सूजी में बॉइल्स आने लग गए हैं, बबल्स उठने लग गए हैं और थिकनेस आप देखिए इस तरह की है इसकी। तो बस थोड़ा सा और चलाएंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद भी हम इस तरह से इसको थोड़ी देर चलाएंगे, ये देखिए। उसके बाद हम इसको ना ढक के रख देंगे क्योंकि ये ठंडा नहीं होना चाहिए, और क्योंकि ठंडा होएगा तो ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और इसकी गुठलियाँ बनने लग जाएगी। तो ये इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए, ये देखिए। अभी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी और बाहर धूप में ले जाऊँगी और वहीं पे इसके पापड़ बनाऊँगी। ये देखिए एक एक चम्मच हम बैटर डालते जाएंगे और इसको गोल घुमाते जाएंगे। बहुत ही इजी होते हैं सूजी के पापड़ और मिनटों में आप ढेरों बना के रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी देर से मैं पापड़ बना रही थी और मेरे से ना दिखाई भी नहीं दे रहा ढंग से। बाहर बहुत तेज़ धूप है तो अंदर आके अंधेरा सा लग रहा है। तो अभी मैं ना पापड़ों को पलट के आई हूँ दूसरी तरफ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो 2 घंटे हो गए होंगे पापड़ बनाए हुए, तो मैंने दूसरी तरफ कर दिए वो, ताकि शाम तक अच्छे से सूख जाए। और आज है हमारे यहाँ फ्लावर शो, तो पता नहीं, हो सकता है शाम तक फ्लावर शो भी जाए। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने ना पापड़ बना के बाहर डाले थे, उसके बाद मैंने कढ़ी चावल बनाया है और फिर अभी पलटा के आई हूँ उनके। तो अभी मैं एक रेसिपी वाले वीडियो की एडिटिंग कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने दिन में कढ़ी चावल बनाया, सिंपल सी कढ़ी बनाई और चावल बनाए, विदाउट पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई है आज। और उसके बाद बस मैंने आराम किया, और आराम करने के बाद ये है 5:30 बजे का टाइम, जब मैं कि चाय बना के लेके आई हूँ और अपने बेटे के लिए दूध बना के लेके आई हूँ। और सुबह वो नहाया था तो उसने सर में तेल नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा आओ तेल लगा लेती हूँ। और मैंने आपको बताया था कि उसकी चोट लगी थी, तो थोड़ा सा मैं ना यहाँ पर बोरोप्लस लगा रही थी। बोरोप्लस ना जल्दी ठीक हो जाता है, तो थोड़ी सी उसके मुंह के सामने चोट थी और घुटने में चोट थी, तो मैंने वहाँ पे बोरोप्लस लगाया, उसके बाद सर में ऑयल लगाया, फिर हमने चाय पी। तो बस आज का दिन हमारा कुछ इस तरह से रहा है। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है रात का 9:30। सारा काम हो गया हमारा, खाना वाना भी खा दिया है, किचन क्लीन कर दिया है, बर्तन धो दिए हैं। तो अब चलते हैं सोने के लिए, और इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।